अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास प्री 9 सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास ना यहाँ लॉग कुछ वैल्यू गिवन है, आपने इसमें से जो अननोन हमारे पास टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास यहाँ एल है, यहाँ पे ए है और वहाँ पी है, तो आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। अब इसको लिखने में पहले आपने ना लॉग के बगैर लिखना है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ लिखना है फिर आपने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ आएगा जो वैल्यू है 81 आएगी वैसे की वैसी, फिर इज इक्वल टू ये जो बेस है ना वो इसका जाकर बेस बन जाएगा, यानी कि 3 और ये हमारे पास पावर बन जाएगी, यानी कि लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 12। जब आपने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो यहाँ हमारे पास 81 है वैसे का वैसा आ जाएगा और ये जो बेस है इसका बेस बन जाएगा 3 रेज टू पावर 12। अब 81 के हम इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि यहाँ तो आप इनकी जो बेस है वो सेम बना लें, यानी कि पावर सेम बना लें। यहाँ तो आप कह रहे हैं यहाँ मैं नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ 81 की तरह फैक्टर बनाएंगे कि हमारे पास यहाँ 3 बन जाए, तो हम यहाँ भी इसके फैक्टर बनाते हैं 81 के। 3 2 6, यहाँ से 2 कह रही हूँ 21, 3 7 था 21, उसके बाद 3 9 27, 3 3 9, उसके बाद 3 1 3। अब यहाँ पे 81 है, वहाँ पे हमें लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ आएगा 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन। अब यहाँ देखिए हमारे पास बेस एक जैसे हैं, अब इनकी अभी बेस को लिखना है आप, एक दफा और पावर्स को हमने प्लस कर देना है। अब यहाँ इनकी पावर हमारे पास 1 माना, तो आएगा 3 रेज टू पावर एल इज इक्वल टू 3 एल। अब यहाँ देखिए हमारे पास बेस एक जैसे हैं ना, कैंसिल हो जाएंगे और आपकी पावर है 5 आएगी, याद रहा हमारे पास पावर से ही वो कैंसिल देते हैं, नीचे हमारा बेस आंसर है, तो 3 3 कैंसिल तो आएगा एल इज इक्वल टू हमारे पास इन 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि लॉग 6 बेस ए इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ पर लिखते हैं आपने इन एक्सपो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ आएगा हमारे पास फिर 6 इज इक्वल टू ये इसका जाके बेस बनेगा, यानी कि ए और ये पावर बन जाएगी हमारे पास। अब 0.5 को हम लिख सकते हैं यानी कि 1/2, अगर 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे दोबारा आपका 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 1/2 हमने खत्म करना है, ठीक है, तो यहाँ इसका इसका लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए और यहाँ आ गया स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 है बेसिकली ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। अब यहाँ से आपने लूप करना है और यहाँ से स्केयर खत्म करना है आपने, तो टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अभी तो पावर 2 है और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आपका ए आएगा। अब 6 का स्क्वायर लें, 6 × 6 तो आपका आएगा 36, तो यही हमारे पास जो आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ आपने पास लूप करना है वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ देखिए हमारे पास ना अगर हम 40 के फैक्टर बनाएं तो फैक्टर इस तरह बनेगा, हमारे पास नीचे बेस में 10 बन गई, यहाँ पर 10 नहीं बनता। फिर आपने करना क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप लॉग ले रहे हैं, इधर भी लॉग ले और यहाँ भी लॉग ले, तो यहाँ आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी आएगा लॉग 10 रेज टू पावर पी इज इक्वल टू लॉग 40। अब हमारे पास ना एक लॉ है कि जो पावर होती है, ठीक है, जब इसका हम लॉग लेते हैं तो इसमें हमने एक लॉ ये बताना है कि जो पावर है उसको लॉग से लिखते हैं, पहले तो आएगा पी लॉग 10 इक्वल टू लॉग 40। अब यहाँ पर हमने ना इनकी वैल्यू हम लेते हैं बाय कैलकुलेटर, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो
तो यहां हमारे पास ही जो लॉग 10 की वैल्यू है ना, लॉग 10 ये आ रही 1, तो यहां आएगा एक पी और लॉग 10 के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा। अब लॉग 40 कितने आ रही, लॉग 40 तो ये आ गया जी 1.6020। अब p into 1 क्या आएगा, यानी कि p is equal to 1.6020, तो यही हमारा आंसर हुआ जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, क्या वैल्यूएट करना है, log 1/128/2। अब इसमें पहले इसको हम लेट करते हैं कि आपका ये x के इक्वल है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं लेट, इसको हम x के इक्वल रखते हैं, log 1/128/2 इज इक्वल टू x। अब इसको लिखना है आपने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहां आएगा इन एक्सपो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहां पे इस तरह लिखना है आपने कि 1/128, और यहां पे जो 2 बेस होगा वो इस पर बेस बनेगा, तो इज इक्वल टू के सेकंड साइड टर्म होगी हमारे पास, तो आएगा 2 और ये पावर बन जाएगी। अब 128 का फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ना बेस ये बनानी होगी, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह कि इसको डिवाइड करेंगे, आपने करना है कि 2 के साथ, ताकि 2 हमारे पास यहां और यहां सेम बन जाए, 2, 6, 12, 2, 4, 8, 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 8, 2, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां पर लिखेंगे 1 over, अब 2 को हम लिखना है 7 times 5, 6 and 7 is equal to 2 raised to power x, 1 over, अब यहाँ बेस हमारे पास सेम है, बेस कितना है, एक दफा और पावर को प्लस कर देंगे, तो आएगा 2 की पावर 7 is equal to 2 की x। अब ये हमारे पास जो 2 की 7 इसको ओवर को ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ आपकी पावर है पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 2 - 7 is equal to 2 raised to power x। अब बेस सेम है कैंसिल हो जाएगी, तो पावर हमारे पास आंसर है -7 = x। ठीक है, अब इसका जो आप डाइवर करना होगा वो करना है आपने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।